हम बनाते हैं एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जिसका नाम है नाइट अगरबत्ती, जो रूम को ऐसा महका दे कि बस मूड रोमांटिक हो जाए। शख्स, आपको देखते हुए हमारे पास कई सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे रोमांस, क्लासिक लव, एक्सट्रीम फन। ये आप कौन से शख्स को देख के बोल रहे हैं? जिसे एक्सट्रीम फन की जरूरत है। यहाँ पर पहले क्वालिटी चेक होती है, ये दवाई उस ऑर्डर नंबर से मैच कर रही है, और यहाँ पर ये मशीन अब आपके पैकेट्स बनाना शुरू कर दिया। हर पैकेट में दवाई का नाम, समय, तारीख लिखी होती है। एक्सेलेंट। हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल है, एक ही इंग्रेडिएंट से अलग अलग ब्रांड का खाना बनाना, ताकि वेस्टेज हो मिनिमम और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो मैक्सिमम। दिस इज नाइस ब्रो, वेरी नाइस। अभी आपकी कितनी सेल है? We have clocked 4.1 crores of revenue. 7 महीने में 70 लाख रुपए की। एक ऑफर देते, देखो 5 शाक आते हैं। 5 शाक डील। 2 मिनट डिस्कस कर सकता हूँ? इट्स अ 5 शाक डील जो बहुत रेयरली होती है, और जो हमारी 5 शाक लास्ट सीजन में लेके गया ना, वो आज टॉप कर रही है। सोचो, सोचो, ऑफ द चार्ट। अब आप डिसीजन लीजिए। हेलो। हर माँ का सुबह सुबह एक कॉमन सरदर्द होता है, आज टिफिन में क्या जाएगा, और सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी होती है कि आप कई बार डालते हैं ब्रेड, जैम, नूडल्स और चिप्स जैसी अनहेल्दी चीजें। एक बार बच्चे स्कूल चले गए तो फिर सताती है गिल्ट, काश मैंने कोई न्यूट्रिशियस स्नैक डाला होता। इस गिल्ट को हटाने आ रहा है ग्लैडफुल। हाय शार्क्स, मेरा नाम है पारुल और मैं 2 बहुत ही क्यूट बच्चों की मम्मी हूँ। हाय शार्क्स, मेरा नाम मनु है और मैं उन्हीं 2 क्यूट बच्चों का मामा हूँ। हम दोनों हैं जयपुर से और हम हैं को-फाउंडर्स ग्लैडफुल के। ग्लैडफुल है इंडिया का पहला फैमिली फ्रेंडली प्रोटीन ब्रांड। इसमें हम बना रहे हैं पावर पैक प्रोटीन कुकीज, प्रोटीन ब्रेकफास्ट मिक्सेस, डेजर्ट बाइट्स और बहुत कुछ। आज इस ब्रांड की जरूरत इंडिया में क्यों है? वो इसलिए क्योंकि 73% इंडियंस डेफिशिएंट है प्रोटीन। हम सबको लगता है कि 2 कटोरी दाल और हो गया दिन का प्रोटीन, बट ये एक्चुअली गलत है। अगर आपका बच्चा 30 किलो का है तो उसको लगभग 30 से 40 ग्राम रोज प्रोटीन चाहिए। इसी चीज के लिए हम ला रहे हैं प्रोटीन बच्चों के पास और उनके पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स को अगर छोटी छोटी भूख दिखती है बच्चों में तो वो रह सकते हैं निश्चिंत, क्योंकि ग्लैडफुल के हर सर्व में है 4 से 6 ग्राम प्रोटीन। हमारा हर प्रोडक्ट लॉन्च से पहले हमारी 350 मदर्स की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से अप्रूव होके जाता है। लॉन्च के 9 महीनों में ही हमने 60,000 यूनिट सेल कर दी हैं अभी तक। आप हमारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट Amazon, फर्स्ट क्राई, Flipkart जैसे कई मार्केट प्लेसेस पे खरीद सकते हैं। हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं जो एक इंडियन फैमिली रोजाना खाती है, उसे ऑलरेडी आदत है, जिसे हम देश की प्रोटीन सफिशिएंसी की तरफ जा सके और इंडिया को मजबूत बना सके। शार्क्स, हमारी आस्क है 50 लाख रुपए फॉर 2% इक्विटी। आइए हमसे मिलिए और बनाइए देश को प्रोटीन सफिशिएंट, क्योंकि भारत की हर मॉम होगी ग्लैड विद ग्लैडफुल। मनु एंड पारुल, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। आपने बताया भाई बहन है। Yes. तो आप लोग कहाँ से, आपकी परवरिश हुई, कहाँ पे थे, कौन सी एरिया में थे? हम लोग एक्चुअली जयपुर से हैं। स्कूलिंग वगैरह सब वहीं से हुई है? दोनों सेम स्कूल से हैं सर। मैंने पहले इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, उसके बाद मैंने MBA किया, उसके बाद मैंने 15 साल कैडबरी में काम किया। वाओ। यहाँ पे मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, काफी एड्स बनाए। आप ब्रांड मैनेजर थी कि कैटेगरी मैनेजर? जब मैंने 2010 में मार्केटिंग टीम ज्वाइन की तब मैं ब्रांड मैनेजर थी कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क और बॉर्नविल की। मुझे काफी अच्छा। I love silk. उसके बाद मैं जेम्स पोर्टफोलियो और किड्स पोर्टफोलियो मैनेज किया मैंने कैडबरी का। उसके बाद मेरा ड्रीम ब्रांड था कैडबरी डेयरी मिल्क, जिसकी मैं सीनियर ब्रांड मैनेजर बनी। उसके बाद मैं कैटेगरी मैनेजर बनी चॉकलेट्स की, जहाँ पे काफी सारे ब्रांड्स जैसे 5 स्टार, सेलिब्रेशन, गिफ्टिंग पोर्टफोलियो मेरे अंडर थे। अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो आपने क्या किया था मन्नू, आपका क्या बैकग्राउंड है? शाक, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय एकेडमिक बैकग्राउंड। सर, मैं आपकी पहले एज एन आर्टिकल ऑडिट भी कर चुका हूँ। रियली? Really? देखो मैं। यस सर। कच्चा चिट्टा बताओ। सब बता दो आज। सबसे कूलेस्ट ऑफिस था 2013-14 के टाइम, जहाँ पे फुसबॉल थी, गेमिंग रूम था। इनका कार देखोगा? हाँ सर। आप कौन थी, सुगानी जी को रिप्लेस कर रहे थे? ये आपने स्टार्ट कब किया आप लोगों ने? लास्ट ईयर हमने क्विट किया। हम लोगों ने बेसिकली रिसर्च किया 8-9 महीने, जनवरी के अंदर हमने लॉन्च किया है। जनवरी 22 अभी इस साल। यस सर। हाउ कम सडनली स्टंबल्ड अपॉन प्रोटीन?
कुछ हुआ, मतलब डेफिशिएंसी आई, कहीं कुछ बात हुई, क्या हुआ? 2019 के बाद मैं घर पे रहती थी, मतलब इससे पहले मैं हमेशा करियर वुमन रही थी। तो उस टाइम पे मेरे बच्चे थे 6 साल और 9 साल के, बड़ा वाला बेटा 9 साल का था। उसके बार बार जैसे फ्रैक्चर्स हो रहे थे, कट्स लग रहे थे और हील करने में बहुत टाइम लग रहा था। 3 से 4 बार मुझे पीडियाट्रिशियन ने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर प्रोटीन, डू यू नो हाउ मच इज रिक्वायर्ड। तो मैंने इंटरनेट से प्रोटीन कैलकुलेटर निकाला और लिखना चालू किया रोज कि चलिए 5 ग्राम एक दूध के गिलास से 4 ग्राम, और 10-15 ग्राम से ज्यादा नहीं निकला होगा। उसका रिक्वायरमेंट था 44 ग्राम, हम दे रहे थे 20 ग्राम। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि ये मैंने कुछ बहुत बड़ा गलती कर दी। मैं जैन सोसाइटी में रहती थी और मैं बहुत सारे जैसे नेबर्स और फ्रेंड्स से बात किया और उनका एक्चुअली मैंने फिर स्टार्ट किया कैलकुलेट करना कि उनके बच्चे कितना प्रोटीन लेते हैं। तो रियलाइज किया कि ये बहुत ही एक वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है। तो एक अपॉर्चुनिटी दिखा मुझे। इंडियन माइंडसेट में जो नॉन नेचुरल फूड्स होते हैं वो मदर्स प्रेफर करती हैं ना दें, तो दो कोशिश करते हैं कुकीज, चिप्स, पैक्ड फूड ना दिया जाए, नेचुरल एग दिया जाए या यू नो दाल दिया जाए। तो ये भी चैलेंज है इस इंडस्ट्री में, राइट? जो हमारी 350 मदर्स कम्युनिटी कहती है, उन्हें मालूम है कि बच्चे 3 ओकेजन्स में अच्छा खाना खाएंगे। एक ब्रेकफास्ट होगा, एक लंच डिनर होगा, उसमें अच्छा खाना खाएंगे, और उसके अराउंड छोटे छोटे 2 या 3 ओकेजन्स होते हैं जिसके अंदर वो स्नैक मांगते हैं। वो अनअवॉइडेबल है फ्रेंकली देखा जाए तो। उसमें प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि चिप्स, कुकीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारा इंटेंट है कि वो छोटे छोटे जो ओकेजन्स हैं उसमें टेस्ट भी दें, और क्यों ना साथ में आप 4 ग्राम प्रोटीन भी ले लें। इनके तो समझ में आ गया ट्रिगर, पर आपका क्या है? आई एम जस्ट 28 सर, एंड आई वॉज डायग्नोस्ड विद डायबिटीज। इतनी अर्ली एज में? यस सर, एंड दैट वॉज वेरी अलार्मिंग टाइम फॉर मी। लोअर प्रोटीन का लिंक डायबिटीज से होता है? लोअर प्रोटीन ऑटोमेटिकली मीन्स हाई कार्बोहाइड्रेट्स। हाई कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स हाई शुगर्स, तो अल्टीमेटली दैट इज लिंक टू डायबिटीज। डायबिटीज अभी डिटेक्ट हुई तो मुझे लगा कि यार ये अब बहुत जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई आई एक्चुअली जॉइंड पाथवे। मैं प्रोडक्ट्स लेकर आती हूं आपके लिए। हां, I like the box. बहुत प्यारा डब्बा है। Ultimately टिफिन में ही जाना है तो हमने सोचा कि टिफिन बॉक्स ही ले। I like burgers, broski. Unfortunately अमन इसमें बर्गर नहीं है। I want the doggy. तो एक कुकी से हो जाता है काम? जी नहीं, एक सर्व से। तो 2 कुकीज का एक सर्व है। Okay. Approximately 16 ग्राम कुकी है, उसे 4 ग्राम ये नहीं बनाते ना? जी टिफिन हमारा नहीं है। और इसमें बिल्कुल मैदा नहीं है, तीनों चीजों किसी में कुछ मैदा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल से बनाया है, होल व्हीट आटे से। पैकेजिंग में दिखा दो और साथ साथ। जी बिल्कुल, चीला तो अच्छा है। हाँ, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। बच्चों के लिए ही है, मैं नहीं खा सकता घर पे। बिल्कुल खा सकते हैं। एक चीला के अंदर होता है 8 से 9 ग्राम प्रोटीन पर सर। आप क्या लेंगे? आप जो देना चाहें। आप लेंगे। ये सुंदर लग रहा है। हम नहीं हैं। अवेलेबल। मुझे आपका चीला बहुत बढ़िया लगा। या आई लव द चीला। थैंक यू। ये किसने बनाया इसके रेसिपीज आपने? मैं अकेली शेफ नहीं हूँ, हम बहुत ही एक्सपीरियंस शेफ के साथ काम कर रहे हैं इसके ऊपर। देखो यहाँ पे ना मास्टर शेफ इंडिया का जो शेफ है, मेन जो टेस्ट करता है वो मैं। अभी तक कोई भी चीज खराब नहीं है, सारी चीज अच्छी है। थैंक यू फॉर द सील ऑफ अप्रूवल। थैंक यू। जैसे मेरे को समझ में 150 रुपए का पैक है, 10 है इसमें, तो 15 रुपए की एक पड़ेगी मेरे को, एक जो मैंने खाई। और सिमिलरली वो कितने की आती है गुड्डे की? 1/5 में मिलेगा शायद, 3 रुपए की एक कुकी आएगी। काफी सिग्निफिकेंट प्राइस डिफरेंस है फॉर बीइंग हेल्दी। सिग्निफिकेंट प्राइस डिफरेंस है। गॉट इट। मैं आपकी ब्रांड स्ट्रेटजी से समझना चाहता हूं थोड़ा। अभी इट्स नॉट कुकी क्लटर ब्रेकिंग पैकेजिंग, राइट? इट्स सिमिलर। Like if I go to any shop, सबकी similar vibe, similar color tonality, सब same लगते हैं। तो आपने कुछ इसके ऊपर study किया था? ये जो boxes हैं, अभी हमने इस तरीके से design किए क्योंकि हमें मालूम है foreseeable future तक हमारा business online रहने वाला है। तो हमने कुछ codes category के borrow किए, जैसे कि cookie का look, एक flat color, box के ऊपर convey करें कि ये regular cookie जैसा है। Because consumer को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि protein cookie है तो बिल्कुल अलग ही product है। थोड़ा सा समझाइए protein cookie का market कितना बड़ा है? Protein cookies बहुत ही छोटा और non-existent market है। फिर भी roughly कुछ idea? It's just about starting, sir. The western market में बहुत सारी companies बनी हैं जो केवल केवल protein पे ही focus कर रही हैं और वो ही हजार हजार करोड़ की बन गई है। तो sales के ऊपर आते हैं थोड़ा, sales बताओगे अपनी? 9 महीने के अंदर 1 करोड़ का नेट हो चुका है। पिछले महीने हमने 20 लाख रुपए नेट रेवेन्यू पे किया है। इस महीने वी विल बी गोइंग 24 लाख।
वेरी गुड यार. तो ये और मोस्टली आपका कौन सा चैनल है? हमारा 90% तो ऑनलाइन है, 20% हमारे वेबसाइट से आता है. अमेजोन हमारे सेल्स का बहुत बड़ा पार्ट है. अप्रॉक्सिमेटली 45% अमेजोन से आता है. अनदर 25% इज कमिंग फ्रॉम ऑल अदर मार्केट प्लेसेस. अभी आप इंस्टामार्ट पे अभी जस्ट पायलट स्टार्ट हुआ है 5 सिटीज के अंदर. क्विक कॉमर्स फूड के लिए तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है. थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स समझाते हैं जी कि एक अब जब बेचते हैं कोई कुकी का पैकेट तो उसके क्या खर्चे होते हैं और आप कितना कमाते हो एंड में. पहले एक रफ नंबर दीजिए, 20 लाख में कितना प्रॉफिट बनाया आपने? अभी हम बर्न कर रहे हैं. बर्न कर रहे हैं जी. यस. फूड कैटेगरी में क्या प्रॉब्लम है यार? नॉर्मली 50% मार्जिन की कैटेगरी होती है. इसमें मैंने नॉर्मली बहुत रेट देखा है, लोगों को बंद करते 7-8% EBITDA निकाल लेते हैं. देखिए हमारा ग्रॉस मार्जिन करीबन 50% है. ग्रॉस मार्जिन के बाद आप निकालेंगे आप लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड आपके सरचार्जेस जो ट्रेड के होते हैं. उसके बाद हमें 25% बचता है. हम उस पूरा 25% को हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में लगा देते हैं. तो हम CM2 के बाद कुछ नहीं कमाते. देखिए मैं अभी इससे बाहर होना चाहूंगा. इस कैटेगरी में मेबी आई एम नॉट द बेस्ट पार्टनर राइट नाउ, बट ग्रेट वर्क, ग्रेट कुकीज, ग्रेट प्रेजेंटेशन. चलो हम आपको ना एक ऑफर देते हैं. तो नमिता और हम एक साथ ही ऑफर देते हैं. हमारा ऑफर है 50 लाख फॉर 10%. यूजुअली D2C ब्रांड में इट्स अबाउट 3 times सेल्स. तो करंटली आपका जो सेल्स है वो पकड़ के अबाउट 2.5 times हमने आपको दिया है वैल्यूएशन. आपकी ऑलरेडी राउंड हो चुकी है. Yes, sir. कितने में हुई? 2 crore के करीब रेज किया था दिसंबर के अंदर. व्हाट वैल्यूएशन? 11 crores प्री मनी एंड 13 crores पोस्ट मनी. हर महीने कितना बर्न कर रहे हैं? पिछले महीने जैसे 20 लाख रुपए पे हमने 7.5-8 लाख रुपए बर्न किया. आपको कितनी बड़ी कंपनी बनानी है? हमें इंडिया का नंबर 1 प्रोटीन फूड ब्रांड बनना है फैमिलीज के लिए. 5 साल के अंदर मैं इसको 500 crore की कंपनी बनाना चाहती हूँ. आपको ऑफर देते 50 लाख एट 13 crore वैल्यूएशन फॉर 3.84% आता है शायद. ठीक है शार्क्स, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अभी हमें और भी राउंड रेज करने हैं. हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है 8-9 महीनों के अंदर. नहीं, आपका बर्न बहुत है. एग्जिस्टिंग बिजनेस अभी क्विक कॉमर्स पे लिस्ट नहीं किया है. तो अभी जो आप 20 लाख देख रहे हैं पिछले महीने का, वो फटाक से दिसंबर के अंदर 30-35 लाख के करीब पहुंच जाएगा. तो अपॉर्चुनिटी बहुत है. सो आई वुड आस्क यू टू रिकंसिडर द ऑफर इफ पॉसिबल. मैं आपको सच कहूँ तो मैं ऑफर भी नहीं करने वाला था बिकॉज आई हैड अ प्रॉब्लम विद द टेस्ट. लेकिन 5 crore में मुझे लगा आपके साथ नाइंसाफी हो रही है. तो कम से कम 13 crore तो आपका वैल्यूएशन ले जाना ही चाहिए. मैं भी आपको ऑफर देना चाहूंगा 50 lakh फॉर 3.5%. तो आपकी सच में मदद मैं कर सकता हूँ. मेरे व्यू में ब्रांड मार्केटिंग आपको अच्छे से आती है. जब तक हमने ऑफर दिया ना हमें पता ही नहीं था कि आपको फंडिंग मिल चुकी है. जो आप रिवाइज ऑफर दे रहे हैं बिकॉज वी आर 2 sharks कमिंग इन टुगेदर, वी विल गो फॉर 50 lakh फॉर 4%. Amit is at 50 lakh for 3.5%. And Arun, Manu, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. मेरा काम हो गया, मैं आउट हूँ इस डील से. आपके पास 2 अच्छे ऑफर हैं. आई विश यू ऑल द बेस्ट. Why are you out? She's got 2 offers at the right valuation. मैं आपको 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ. जो आपके पास नॉलेज है ना कैडबरीज की, वो ब्रांड बिल्डिंग में बहुत काम आएगी. आपको खाली ऑनलाइन की नॉलेज लेने की जरूरत है और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को कैसे क्रैक करना है हम सिखा देंगे. इतना कोई बड़ी बात नहीं है. और अपने इन्वेस्टर्स को बताओगे ना कि अमन और नमिता आ रहे हैं, बोलेंगे वाओ यू डन द बेस्ट जॉब. आपके इन्वेस्टर अमित सोच के बोलेंगे धंधा बनाएगा ये यूनिट इकोनॉमिक्स पे. आपने क्योंकि हमारी बुक्स देखी है आपको पता है मैं धंधा बनाता हूँ यूनिट इकोनॉमिक के प्रॉफिट के साथ. आई थिंक आप दोनों ने बोल दिया, अब आप डिसीजन लीजिए. पारुल अच्छा धंधा बनाना है, मेरे से जुड़िए. आप सीधी बात करता हूँ नमन, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी क्योंकि मुझे आपकी एक्सपर्टीज चाहिए.
Can you please join Amit in his offer? As in three of us come together? Yeah. Accept the offer. Thank you so much. Good luck. Yes. Very good, very good. Thank you. Very good. Congratulations. We have a deal. We have thank a deal. You. We have a deal. Thank you so much. Thank you. Bahut hi acha gaya. Thank you. Thank you so much. See you. Good job. Big woman CEO. Thank you. Thank you. I'm glad you got a gladful deal. Thank you. ये है भारत के हर घर में पाए जाने वाला एक्योटिक मेडिसिन का डब्बा। सही बात। हमारे परिवार के बुजुर्ग हर रोज अपनी दवा लेने के लिए एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी दवा किस समय लेनी है, और 40% बुजुर्ग अपनी दवा को सही मात्रा, सही समय और सही क्वांटिटी में लेने के लिए किसी ना किसी केयर गिवर पर डिपेंड करते हैं। और इसीलिए फार्मा लामर में हमने ढूंढा है इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन। नाइस। हेलो शॉक्स, मेरा नाम अचिंत्य दयाल है, मैं बैंगलोर से हूँ। मेरा नाम अर्जुन है, मैं भी बैंगलोर से हूँ। मेरा नाम है दीपेश राजपाल, मैं जयपुर से हूँ। और हम एक कोफाउंडर्स ऑफ फार्मा लामर। शॉक्स, भारत में बहुत सारी फार्मेसीज हैं जो ऑनलाइन डिलीवर तो करती ही हैं, लेकिन उनका काम वहीं तक खत्म हो जाता है। फार्मा लामा उसको एक स्टेप आगे लेके जाता है। हमारी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी की मदद से मशीन प्रिस्क्रिप्शन को समझती है और उसको छोटे छोटे पैकेट्स में और सैशेज में पैक करती है। हर सैशे में उनका नाम, डोज, दिन, टाइम और जो मात्रा है वो लिखी रहती है। US में ऐसे ही होता है, लेकिन पिल बॉक्स होता है। Yes, exactly. हमने इस सर्विस को लास्ट 4 महीने में लॉन्च किया है और हमें बेसिकली 5,000 ज्यादा परिवारों का इसमें प्यार मिला है। और शख्स, हमारी यही विजन है कि भारत के हर घर में इस केओटिक मेडिसिन डब्बा को फार्मा लामा स्मार्ट पिल बॉक्स से रिप्लेस करे। नाइस। हमारी आज के 1 crore for 1.5% ऑफ अ कंपनी। जीस। सो शख्स, चाहे चाचा हो या मामा, हर घर में होगा फार्मा लामा। अगर आप लोगों की परमिशन है शाख, हम आपको एक सिंपल ऐप डेमो देना चाहते हैं। प्लीज दिखाइए। सो शाख, कोई भी कस्टमर या कोई भी जो दवाई लेता है उसको बहुत सिंपल है स्टार्ट करना। जैसे यहाँ पर हमारे राजेश्वरी राजपाल जी का प्रिस्क्रिप्शन पड़ा है, कुछ नहीं करना उनको, अपने प्रिस्क्रिप्शन की एक बहुत क्लीन अच्छी सी फोटो लेनी है और हमारे सिस्टम पे अपलोड कर देनी है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, मैंने 2-3 ऑलरेडी पेशेंट्स ऐड किए हैं। यहाँ मैं राजेश्वरी जी को ऐड कर रहा हूँ और मैंने इसको फाइनली सबमिट कर दिया। जैसे ही वो अपलोड हुआ, ये हमारे डैशबोर्ड पे ऑर्डर सबसे ऊपर दिख गया। ये डैशबोर्ड हमारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट खोल के बैठे हुए हैं और जैसे ही उनके पास ऑर्डर आता है वो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और चेक करते हैं कि वेदर वो प्रिस्क्रिप्शन ऑथेंटिक है और उसका डेट, टाइम सब कुछ चेक करते हैं। फार्मा लामा की बेस्ट पार्ट है कि अगर आप 7 दिन की दवाई ले रहे हैं तो आपको पूरा पत्ता नहीं खरीदना, आपको सिर्फ 7 दवाई के ही पैसे देने। बहुत सही चीज है, बहुत वेस्टेज होती है पता है इसमें। और एक कॉल करके वो डायरेक्ट कनेक्ट करके वो उनको प्राइस की कंफर्मेशन लेते हैं कि आपका ये कॉस्ट आ रहा है, और जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग में चला जाता है, इंडिया की पहली ऑटोमेटेड फार्मेसी में। ऑर्डर आते ही उन दवाइयों को टैब यूज करके उनको मशीन में फीड कर रही है, ये ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन में गए। यहाँ पर वो हर दवाई जो आपकी है वो पहले क्वालिटी चेक होती है कि ये दवाई उस ऑर्डर नंबर से मैच कर रही है, ये वही है जो ली जा रही है कि नहीं ली जा रही। और यहाँ पर ये मशीन अब आपके पैकेट बनाना शुरू कर दिया। हर पैकेट में दवाई का नाम, समय, तारीख लिखी होती है। अभी हम इंग्लिश में कर रहे हैं पर बहुत जल्दी हम इंडिया के हर लैंग्वेज में, मेन लैंग्वेज में लाने वाले हैं। ये QC मशीन है जो 100% ऑटोमेटेड क्वालिटी कंट्रोल है और उसके बाद ये पैकेट होता है और जाता है। Excellent. शाक्स, ये मशीन जो होती है, ओरिजिनल मशीन, ये डिजाइन होती है हॉस्पिटल्स के लिए बाहर कंट्रीज में, और इनकी थ्रोपुट होता है 20 मिनट से 25 मिनट लगते हैं एक ऑर्डर बनाने में। हमने पूरी टेक्नोलॉजी लेयर इसकी स्क्रैप करी और पूरी नई बनाई, और अब हम गर्व से कह सकते हैं हम 1 घंटे में 25 ऑर्डर एक मशीन से डिस्पेंस कर रहे हैं। तो आपने इनोवेशन हार्डवेयर पे भी किया है? हमने IoT पे किया है, हमारा पूरा एक IoT डिवीजन है जो हार्डवेयर पे रिसर्च करता है।
तो ये आइडिया हमें एक्चुअली आया था 2019 मिड में, जब मेरी मॉम किडनी फेलियर से डायग्नोज हुई थी. सॉरी. और बेसिकली रीजन ये बताया गया था कि जो मेडिसिन वो ले रही थी उनके ओवरडोजेज की वजह से उनके किडनी पर बहुत इफेक्ट हुआ है, और वो हमें बहुत खलता था. तो हम लोग ने फिर इसका एक सोल्यूशन निकाला कि हम लोग इसको एक्चुअली पेपर में स्टेपल करके मेरी मॉम के लिए छोड़ के काम के लिए जाते थे. फिर हमें समझ में आया कि इसका एक ऑटोमेटेड वर्जन भी बन सकता है. और फिर लोगों से बात करने के बाद हमें ये भी पता चला कि अल्जाइमर, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, इन सारे पेशेंट्स को एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. जब ACG से इन लोगों ने करना शुरू किया, इन लोगों से बात भी की, और मैंने कहा ये परफेक्ट है, बिकॉज वो लोग लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं फॉर पैकेजिंग मशीन्स. आई थिंक अगर ये करना है, इंडिया में लेवल पे लाना है और इन मशीन के थ्रोपुट को इम्प्रूव करना है और पैकेजिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो इनसे बेस्ट पार्टनर्स और इनसे बेस्ट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स कोई हो ही नहीं सकते. ACG पैमपैक से बात की आपने? यस. कौन है वो? ACG पैमपैक ऑटोमेशन मशीन बनाते हैं पैकेजिंग की. एसोसिएट कैप्सूल ग्रुप, दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर फॉर फिल्म्स एंड फॉइल्स, दवाइयों को वो पैकेज करने की टेक्नोलॉजी. दे आर सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. कितना पैसा लिया उनसे? हम लोगों ने 5 करोड़ रेस किया था इनिशियली. अरे वाह. कितना इक्विटी दिया 5 करोड़? तो हम लोगों ने इनको बेसिकली 50.9 इक्विटी दिया. और आपके पास आज कितनी है? 49.1. उसके बाद कोई राउंड नहीं हुआ? नहीं हुआ. अच्छा. हां, तो दे आर स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर. यस. और इसकी सारी IP वो ACG पैमपैक के पास रहेगा, आपके पास? एक जॉइंट MOU है हमारा जहां पर हम कॉमनली शेयर करते हैं, पर 3 साल के लिए वो लॉक है. एक मशीन कितने की आती है वैसे? तो एक मशीन रफली अबाउट 1.34 करोड़ की आती है. मशीन्स आर एक्सपेंसिव. पिलपैक और आप में एग्जैक्टली क्या फर्क है? मैम, हम लोग एग्जैक्ट पिलपैक फॉर इंडिया है, और हम लोग चाहते कि मैं आपको एक सैंपल्स दे के दिखाऊं कि ये फील कैसे होता है. या प्लीज दिखाइए. अच्छा, पहले ये बताइए लामा क्यों, ऐसे नाम क्यों चुना और ये सिंबल क्यों चुना? जनरली दवाई के डब्बे को देख के स्माइल नहीं आती है. So sweet. इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि एक मास्कॉट डाले कि वो आपको एटलीस्ट जब आप दवाइयां निकाल रहे हो कि आपको एक रिकॉल वैल्यू मिले और आप ये ब्रैग वर्दी आप अपने डाइनिंग टेबल पे रख सके. अच्छा. अगर मैं 1MG हूँ, पिलपैक तो इंडिया में बेच सकता है ना, तो मैं पिलपैक के पास जाऊँ और उसको बोलूँ ये मशीन मुझे दे दे, तो वो दे सकता है? सर, मशीन तो दे सकता है, लेकिन वो बैकवर्ड ऑप्टिमाइजेशन जो हम लोगों ने किया है, क्या 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 फर्क होगा? नहीं नहीं, पिलपैक नहीं देगा, बिकॉज़ Amazon owns it now. हाँ, तो Amazon can do it with themselves. Amazon क्या कर सकता है? वो मशीन नहीं बेचते. Yes. Amazon, वो कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक फार्मेसी है. बट उनको अगर मशीन चाहिए तो उनको वापस हॉस्पिटल्स वाली मशीन लेनी पड़ेगी और ये पूरी टेक्नोलॉजी रीडेवलप करनी पड़ेगी. ये कितना एक्स्ट्रा पड़ रहा है ये, मतलब? इसकी पैकेजिंग कॉस्ट हमें अमेजिंगली सिर्फ 20 रुपए पर ऑर्डर आ रही है. ये डब्बा और एक और डब्बा और अंदर जो पैकेट सब मिला के 20 रुपए? नहीं सर, वो एक्चुअली वो डब्बा खाली शार्क टैंक के लिए. ओके, वेटिंग. थैंक यू. मेडिसिन का कॉस्ट कितना इंक्रीज हो जाता है आपके ये प्रोसेस करने से? ये बेस्ट पार्ट है, हमारी फार्मेसी दवाइयां MRP पे ही देती हैं. हम 1 रुपए भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं. नहीं, MRP छोड़िए, तो हिंदुस्तान में भाई डिस्काउंट मिलता है. देखिए क्या है ना, इंडिया में अभी एनीवेयर फ्रॉम, थोड़ा कम हो गया, पहले 20-25% डिस्काउंट मिलता था ऑनलाइन फार्मेसी पे, अभी वो 15% के पास आ गए. तो आप क्या वो 15% डिस्काउंट नहीं देते हैं? तो मतलब यू आर 15% मोर एक्सपेंसिव. क्योंकि मेरे फादर जैसे कुछ मेडिसिन लेते हैं, वो बहुत खुश होगा मैं सॉल्यूशन से, और मैं पैसे देने के लिए भी रेडी रहूंगा, पर जैसे ही उनको पता चलेगा कि MRP पे आ रहा है, तो वापस कहेंगे भाई मेरी 25% डिस्काउंट से तू मंगा दे वहां से. Exactly. MRP स्टक क्यों है आप? अगर आप MRP से कम बेच देंगे तो नुकसान है अपने? नहीं, हम बेच सकते हैं सर, बिल्कुल बेच सकते हैं. हम बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर स्पेंड मोर देन 20-25% दवाइयों की पैकेजिंग पे, और हम वो जब ये बल्क में उनसे कैनिस्टर्स में लेंगे एक एक लेवल पे आके, तो हमारा मार्जिन और एक्सटेंड होगा. करेक्ट. अराउंड 15-20% पीछे, तो हमारा मार्जिन बढ़ के 48% आएगा. पर ये लंबा गेम, उनको अपनी पैकेजिंग चेंज करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी केपेक्स की, वो अलग है. वो ड्रम्स में ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हैं, वो देने को तैयार होते हैं मैन्युफैक्चरर. हमने कुछ मैन्युफैक्चरर जो हमें इन्वेस्ट करने को भी रेडी हैं, और वो चाहते हैं कि वो स्केल पे हमारे साथ इस मॉडल पे जुड़े. मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है आपके राउंड में और आपकी कंपनी में. मेरे 2-3 सवाल है. सबसे पहले, आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना है?
is around 875-900 rupees. और आपका एक ऑर्डर का वैल्यू कितना है? 1400. तो आप सिर्फ इस पे खेल रहे हैं कि आगे जाके वो हमसे लेता रहे. करेक्ट. अभी तक रिटेंशन कितना है? 91%. कितने महीनों में? 5 months of operations. और ये 5000 कस्टमर्स में से है? 5000 से ज्यादा है. 5000 से ज्यादा. तो रिटेंशन का मतलब कि जो आपसे 5 महीने पहले खरीद रहे थे वो अभी भी खरीद रहे हैं, सब्सक्रिप्शन चल रहा है. Yes. तो ये 800-900 रुपए आप कितने टाइम में बना लोगे? 800-900 हम इजीली 5 ऑर्डर्स में हमारे पास 5. और आपका कुछ अंदाजा है कि लाइफ टाइम वैल्यू क्या होगा कस्टमर? अगर कोई भी पेशेंट होता है वो कम से कम अपनी दवाई 4 से 5 साल तक हमसे जुड़ा रहेगा, अनलेस या तो उनकी दवाई. चलो 3 साल की वैल्यू पकड़ लेते हैं. क्या होगा कस्टमर का एवरेज वैल्यू फॉर 3 इयर्स? 42,000. तो ये प्रॉब्लम तो रही नहीं. सॉरी, सेल्स क्या था? हम लोग ने 4 महीने में अभी पब्लिक के लिए लॉन्च किया था. हम लोग ने लास्ट ईयर हमारी सेल्स 17 लाख थी. इस ईयर हम लोग ने लास्ट 5 महीने में हमारी सेल्स अबाउट 85 लाख. लास्ट मंथ कितना? 24 लाख. तो ग्रोथ मंथ ऑन मंथ क्या हो रहा है आपका अभी? 100% ग्रोथ. आपने मशीन की सप्लाई भी लॉक इन कर ली ना? हाँ. Yes. हम लोगों ने 3 इयर्स एक्सक्लूसिविटी साइन किया है. पर मशीन के पैसे देने पड़ते हैं आपको या फ्री है? एक छोटी सी रेंटल अमाउंट हम लोग देते हैं महीने. इट्स गुड, दिस आर एक्सपेंसिव मशीन्स. अभी आपने ACG पैम्पैक को 51% दे दिया है. फाइनेंशियल इन्वेस्टर आएगा तो उसको समझ नहीं आ रहा है मैं पैसा कैसे बनाऊंगा. करेक्ट, ये हो रहा है अभी? नहीं, एक्चुअली हमारा काफी इंटरेस्ट आ रहा है. वी ऑलरेडी हैव अ वेरी सॉलिड टर्म शीट विद अस. क्या टर्म शीट है? हम लोग नाम नहीं रिवील कर सकते, लेकिन इंडिया के लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेयर्स से हमें एक टर्म शीट मिल चुकी है ऑलरेडी. स्ट्रेटेजिक मिला ना फिर से? स्ट्रेटेजिक मिल रहा है सर, लेकिन हम लोग एक राउंड क्रिएट कर रहे हैं जिसमें और भी VCs पार्टिसिपेट. क्या राउंड है, क्या वैल्यूएशन है? 45 करोड़ पे की फ्लोर वैल्यू है. वो कन्वर्टेबल, वो लोग कन्वर्टेबल नोट पे. क्या लगता है भाई, यहाँ से क्या चाहते हो आप आज? सर, हमारी आस्क बेसिकली यही थी कि आप हम लोग 1 करोड़ फॉर 1.5% के लिए लें, और आपसे बेसिकली जो D2C एक्सपर्टाइज है, जो मार्केटिंग के मैकेनिज्म्स हैं, वो सब यूज करके हम लोग ये कॉमन आदमी तक पहुँचा सके. वो हम लोग आपके ब्रांड्स कर चुके हैं और हम वो आपसे सीखना चाहते हैं और सीख के इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. चलिए, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, लेकिन जल्द आपको बताना पड़ेगा हाँ कि नहीं. You want 1 crore? Yes, sir. मैं आपको वही 45 crore के वैल्यूएशन पे देता हूँ. क्या लगता है आप? दे दिया उसे 45 crore का वैल्यूएशन. सर, हम सारे शार्क्स से एक बार सुन सकते हैं? हाँ. अगर आप इजाजत दे तो. You are a good boy. क्या ऑफर मिली अनुपम? यही जो इनको चाहिए थी. सबको मिला दूं लड़ने की जगह. ऑफर इतना कम मिले? नहीं, अमाउंट बढ़ाते. 2 करोड़ 5%. भाई शाम डील कर अनुपम. बात कर सकते हैं? एक ऑफर देते हैं, देखो हम आपको 2 करोड़ देते हैं 1 करोड़ की जगह, बिकॉज हमको मीनिंगफुल स्टेक चाहिए. 5 शाक आते हैं 1-1%. भाई शाम डील. अब हमें 1-1 ईच चाहिए. देखो, टू बी ऑनेस्ट, 1% ईच की बिना मजा नहीं आएगा. 1% ईच एंड वी विल गिव यू 2 crores इंस्टेड ऑफ 1. 2 crore for 5% base values, floor values से 5 crore कम है. अरे बॉस, 5 sharks आ रहे हैं. तो क्या डिसाइड किया? एक काउंटर है सर. क्या आप इसको 2 crore 4% पे कर सकते हैं? नहीं. It's a 5 shark deal जो बहुत rarely होती है. और जो हमारी 5 shark last season में लेके गया ना, वो आज top कर रही है. They have gone off the chart. ACG Pampack is one of our biggest suppliers, right? For packaging machine. So you can imagine, हम ये काम पिछले 12 साल से कर रहे हैं integration का. Anupam can open doors to investors and help you put the deal together कि strategic के साथ क्या deal करनी है. आपको मेडिसिन पर डिस्काउंट आप कैसे दे सकेंगे? दैट्स गोइंग टू बी योर की. चलिए चलिए, खत्म कीजिए यार. 1-2-3 करो यार. लेट्स डू अ डील. डील पक्की. डील पक्की. थैंक यू. ऑलराइट. 5 shark deal. दिस इज वर्क. आई हैव टू से इट्स अ 5 shark deal. ऑल द पिचेस टिल डेट. दिस इज माय फेवरेट. इट्स नॉट अबाउट मनी. इट्स अमेजिंग. दिस इज बोथ फ्रॉम अ विजन and from the tech. This is my favorite because hardware, software is the so much.
थैंक यू सो मच सर. आज आपको मैं मिला हूँ, बाकी चार फ्री. आजकल जमाना है स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट्स और क्लाउड किचन्स का. बर्गर वाला अलग, मोमोज वाला अलग, हॉट पिज्जा वाली चेन्स अलग, और ऐसे हो जाती है किचन्स की अनप्रोडक्टिविटी. और हमारे क्रेविंग्स का तो पूछो ही मत, वो तो हर घंटे बदलती रहती है. इसीलिए हर रेस्टोरेंट एक वाइड वैरायटी ऑफ मेन्यू रखते हैं, जिसके चलते दिन का अंत में बहुत सारा सरप्लस खाना बच जाते हैं. और इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक ही तीर से दोनों निशाने लगा जाए. इसके साथ जन्म हुआ एक ऐसा क्लाउड किचन ब्रांड का जो फूड वेस्ट होने से भी बचाए और आपका मील वाइज क्रेविंग्स भी मिटाए. नमस्कार शार्क्स, मैं हूँ शुभव्रत गांगुली. नमस्कार शार्क्स, मैं हूँ शोपाल दे. और हम हैं क्रेव राजा फूड्स, क्रेविंग्स के किंग्स. क्रेव राजा फूड्स एक कोलकाता बेस्ड क्लाउड किचन चेन है जो कस्टमर्स को चार डिफरेंट ब्रांड्स प्रोवाइड करता है. जैसे अगर सुबह मुझे खाना हो सैंडविचेस और स्टफ्ड ऑमलेट्स तो SOS, सैंडविचेस ऑमलेट्स स्नैक्स का ब्रांड है ना. दोपहर को प्रोटीन वाला न्यूट्रिशियस मील खाना हो तो लैब्स फ्रॉम बड़ी टोडा का. रात को IPL का मैच है और दोस्त लोग घर पे आए तो पार्टी के वक्त क्या खाएं? हाफ एंड हाफ पिज्जा और चिकन विंग्स फ्रॉम गस्टो पिज्जा. अगर अपनी टीम जीत गई तो आफ्टर पार्टी में क्या खाएं? तो मंगवा लेंगे फ्राइड चिकन फ्रॉम द फ्राई राइस. हमारे पास एक सेंट्रल किचन है जो सर्विस करते हैं तीन क्लाउड किचन्स को इन हब एंड स्पोक मॉडल. हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल है, एक ही इंग्रेडिएंट से अलग अलग ब्रांड का खाना बनाना ताकि वेस्टेज हो मिनिमम और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो मैक्सिमम. वेरी इंटरेस्टिंग. एक रेस्टोरेंट चेन आज 5-6% लूज करते ड्यू टू वेस्टेज, वहां पे हमारा वेस्टेज है सिर्फ 1-2%. हमारा विजन बड़ा और सिंपल है, इंडिया का लार्जेस्ट क्रेव वर्दी फूड सर्विस करने वाला क्लाउड किचन ब्रांड बनना. और अगले एक साल में हम खोलना चाहते हैं 6-7 क्लाउड किचन्स विद मल्टीपल ब्रांड्स इन ईच ऑफ. हमारा आस्क है 65 लाख फॉर 3% इक्विटी. हंगर का बजाओ बाजा विद क्रेव राजा. So Sharks, आपके लिए जल्दी से कुछ डिलीवरी मंगवाए. मंगाओ यार. डिलीवरी. So अमन को मिला है फ्राइड चिकन, अनुपम को हमने दिया है विदाउट चीज, हाँ जी, नवाबी चिकन टिक्का बुरी तो. अमित को हमने दिया है एक कॉर्न चीज मशरूम सैंडविच. नमिता को दिया है हमने एक हाफ एंड हाफ पिज्जा. सो एक हाफ है फंगी फॉरेस्ट, दूसरा हाफ पे है फार्म फ्रेश डिलक्स. और पीयूष, हम तो आपका भी हाफ एंड हाफ पिज्जा है, एक हाफ में आपका पनीर टिक्का है और दूसरा हाफ में आपका कॉर्न और मशरूम है. मुझे बहुत बढ़िया लगा आपका ये टेस्ट, कॉर्न मशरूम का. दिस इज नाइस ब्रो. वेरी नाइस. थैंक यू. पिज्जा इज गुड. वेरी गुड. आप ये बताइए, कलकत्ता तो बहुत दिलचस्प शहर है, आप लोग वहां ही पे पले बड़े और वहीं के हो कि थोड़ी? मैं एक छोटे से शहर बर्धमान से हूँ. अच्छा अच्छा. Which is 120 kilometers from Kolkata. 2012 में मैंने अपना 12th किया. उसके बाद मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज गया कोलकाता में मैथ्स ऑनर्स पढ़ने. Nice. पर हुआ नहीं मुझसे अच्छे से. तो मैंने एग्जाम दिया प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स का. आई गॉट थ्रू और ही ऑल्सो गॉट थ्रू. हम दोनों कॉलेज में घुसे. वो 3 साल में शायद 3 बार बात किया था मुझसे, क्योंकि वो टॉपर काइंड था. फिर मास्टर्स में वी स्टार्टेड बॉन्डिंग. तो हम लोगों का सेम कंपनी में प्लेसमेंट लग गया था, ठीक है, पास कर गए बैंगलोर में. दैट इज वेयर वी फर्स्ट सॉ कि एक स्टार्टअप फाउंडर कैसा बिहेव करता है. मतलब उनका इंटरेक्शन एंड एवरीथिंग बहुत क्लोज निट एक फैमिली जैसा था. आप उनसे इंस्पायर हुए? हाँ, आपके फाउंडर थे. क्योंकि हमको लगता था कि जिस भी ऑफिस में शायद काम करने जाएंगे वो हायरार्की बहुत स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, पर वो सिस्टम में पता चला कि फाउंडर्स भी जो है बहुत चिल हो सकता है, ठीक है. उसके बाद मैंने उसको बोला कि कुछ करते हैं ऐसे, बैंगलोर में आए कुछ लेके जाते हैं. सो हम लोग सेक्टर्स ढूंढने लगे.
We used to order from a place called Box 8. ऑफिस के बीच में ही मैं अलग टैब में सर्च करने लगा कि बॉक्स 8 का फाउंडर कौन है, कितने ऑर्डर्स वो करते हैं. तुम मैं तो मतलब 1 मिलियन ऑर्डर्स अभी तक किए हैं. ये सब देख के मैं तो चौंक गया. मतलब इसका मार्केट इतना बड़ा है. पर इसका मार्केट कोलकाता में अभी तक वो एक्सप्लोर नहीं था उतना. इंटरेस्टिंग. होस्ट किचन, क्लाउड किचन, जो भी हम कहे, वो उतना रेलेवेंट नहीं था. फिर हमने कहा ये करते हैं. मैं कोलकाता जाता हूँ, तू कुछ देर बाद आ, तू वहाँ जाके एक छोटा सा रेंट लेके, मैं कोलकाता में जॉब लेके, आई वेंट देयर. एंड वी स्टार्टेड ऑफ विथ 4 स्टाफ्स एंड 1 किचन. हमने स्टार्ट कर दिया. आप लोगों ने जॉब कब छोड़ा? मैंने लास्ट मंथ पेपर डाले. आपने अभी पेपर डाले? क्योंकि ये पूरा कंपनी बूटस्ट्रैप है टिल डेट. जो जॉब करके भी मिलता है वो लगा देते हैं पूरा बिजनेस में. आप तो कोलकाता कंपनी में जॉब करते हैं? हम दोनों कोलकाता में भी सेम कंपनी में कंपनी में जॉब करते हैं. आपने जॉब छोड़ दिया या नहीं छोड़ी है अभी? मैंने अभी तक नहीं छोड़ी क्योंकि आई हैव लॉट ऑफ अभी भी क्राउड फंडिंग मुझे अभी मिटाना है. ऑफिस जाते हो या घर से काम करते हो? पूरा वर्क फ्रॉम होम. मतलब आप वर्क फॉर क्रेव राजा करते हो, सैलरी उस कंपनी से लेते हो. एग्जैक्टली. मैं कल से अपनी कंपनी में वर्क फ्रॉम ऑफिस करने वाला हूं. यही हो रहा है. देयर यू गो. मैं पहले से बोल रही हूं. एक सेकंड, आप यहां खड़े हो, ये सब बातें कह रहे हो नेशनल टीवी पे, तो क्या वो तो फायर कर देंगे आपको? नहीं नहीं, हमने जब शुरू किया था पूरा कंप्लायंट होके हमने किया था. आपको टाइम मिलता है दोनों करने का? फॉर द लास्ट 2 इयर्स वी हैव वर्क्ड फॉर 16-17 आवर्स अ डे. As of now, अब आपका क्या बिजनेस है, क्या सेल हो रही है? So since September 2020 inception से yesterday तक, we have clocked 4.1 crores of revenue. Oh, well done. Very nice. Last month कितनी सेल हुई? Last month we clocked 19.5 lakhs. इस साल कितना करेंगे आप? इस साल our projected is 3.25 crores. और पिछले साल पूरा कितना किया आपने? 2.56 crores. आपकी जो profit है वो कितना है इस 20 लाख के अंदर? Net profit is 3.5%. Ouch. बहुत छोटा प्रॉफिट है, क्या रीजन है? हम इनिशियली अग्रेसिवली सेल्स को पुश करने के लिए प्राइसेस बहुत कम रखे थे. दूसरा चीज, स्विगी जोमेटो इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस है कि नया मार्केट प्लेस को थोड़ा बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं. 20 लाख का आपका रेवेन्यू था लास्ट मंथ, और इसके खर्चे क्या होते हैं एक बार वो भी लिखवा दीजिए. बेसिकली ये जो 20 लाख का रेवेन्यू, 19.5 लाख का रेवेन्यू है, ये पोस्ट डिस्काउंटेड है. हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है दैट इज 70%. तो 14 लाख रुपए आपका हो गया. करेक्ट. यहाँ तक आगे उसके बाद 33% रफली जाते हैं हमारे कमीशंस टू आर स्विगी जोमेटो प्लेयर्स. 6.6 लाख यहाँ निकल गया. 27% इज रफली फिक्स्ड कॉस्ट, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी. ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, वो उतना स्केल थोड़ी करेगा. वो तो जब बिजनेस बढ़ेगा आपके पर्सपेक्टिव से एक ही इंग्रेडिएंट जब आप यूज करते हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज बेनिफिट्स, बट फ्रॉम अ कस्टमर पर्सपेक्टिव अलग क्या है आपके प्रोडक्ट्स? ओके, हम लोग मेन्यू चेंज करते हैं. एक पिज्जा था हमारा हरियाली टिक्का पिज्जा, वो चला, उसके बाद धीमे हो गया, हमने हटा दिया. हमने मलाई टिक्का लाया, मलाई टिक्का चलने लगा. सो हम टेस्टिंग रेगुलर करते थे. जो सबसे बड़ा प्लेयर है डोमिनोज, एक प्रॉब्लम फेस करते जो हमको कॉल में आया था. कस्टमर ने बोला था कि हमें एक लार्ज पिज्जा चाहिए, हमको कहीं पे भी चीज बर्स नहीं मिल रहा है. अगर आप डोमिनोज खोलेंगे आपको लार्ज में चीज बर्स वर्जन मीडियम मिलेगा. करेक्ट, इट्स मीडियम. एग्जैक्टली, हमारा लार्ज में चीज बर्स वाज आवर पॉइंट. चीज बर्स इज वेरी पॉपुलर. इसमें क्या हुआ, टिकट वैल्यू बढ़ गया हमारा. एक प्राइसिंग बताइए इन चारों का. एवरेज पिज्जा का प्राइस है 299. क्या साइज पिज्जा? स्मॉल पिज्जाज विद टॉपिंग्स. लार्ज पिज्जा इज अराउंड 809. ओके, इतना एक्सपेंसिव. एसओएस का एवरेज प्राइसिंग इज 199. बोरिटो का इज 239 और फ्राइड चिकन इज अराउंड 189-199 ऐसे. और आपके रेटिंग्स रैंकिंग्स कितनी है जोमेटो स्विगी पे? जोमेटो में अभी तक 10,000 रिव्यूज हैं हमारे. वाओ. और रेटिंग क्या है? रेटिंग एवरेज रेटिंग इज 4 इन जोमेटो. आप लोग सीरियस हो ना इस बिजनेस के बारे में? हां, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू ऑल आवर लाइव्स. फुल टाइम कब करोगे? इसीलिए तो आए हैं यहाँ पर, पैसे लेने और फंडिंग रेज करने, ताकि ये काम कर सके, है ना? Exactly. आप अगर ये फंडिंग मिलता है आज आप नौकरी छोड़ देंगे ना? एकदम. मैं अभी आउट हूँ. दो रीजन है मेरे. एक तो आप लोग खुद ऑल इन नहीं हो. you know, जब आप ऑल इन हो गए मतलब होता है कि आप लोग खुद फोकस करके यही काम करोगे. अभी उससे थोड़ा दूर हो आप लोगों.
और दूसरा आपकी वैल्यूएशन जो आपने मांगी है स्ट्रेट अप 20 करोड़ के आसपास, वो भी मेरे को लग रहा है थोड़ी ज्यादा है, तो उसमें मैं नेगोशिएट ही नहीं कर पाऊंगा, अभी मैं आउट। आई थिंक टीम बहुत बढ़िया, आपके नंबर्स बहुत जबरदस्त हैं, मैं इससे बाहर हूं क्योंकि मेरे इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है। अगले 3 साल का प्रोजेक्शन बता सकते हो, क्या सोच रहे हो आप रेवेन्यू और प्रॉफिट? अगर हम 2 या 3 मेट्रो सिटीज में प्रेजेंट हो जाए तो हम लोग एटलीस्ट 15-20 करोड़ तक रेवेन्यू का प्रोजेक्शन लाते हैं। तो आप ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन से ला सकते हो रेवेन्यू ज्यादा, वर्टिकल डेप्थ इन द सिटी से नहीं ला सकते? वो भी ला सकते हैं। तो आपने स्ट्रेटजी क्या बनाई? हमारे पास अभी 3 किचन है कोलकाता में, वो ऑलमोस्ट 70-80% शहर कवर कर रहे हैं। मैक्सिमम एक किचन डालने से हम लोग का पूरा शहर कवर हो जाएगा, तो वो सेंस हम लोगों के लिए अभी नहीं बनेगा कि हम 5-6-7 किचन कोलकाता में खोले। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू भी हम अपना रेवेन्यू बढ़ाने की सोचे। फूड जो है बहुत क्लटर्ड मार्केट है, और मुझे आपके प्रोडक्ट्स में सचमुच ऐसा कोई डिफरेंशिएटर लगा नहीं, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मुझे लग रहा है कि ये जो आप कहानी रच रहे हो बहुत गलत। इंडिया में सबसे बड़ा क्लाउड किचन ब्रांड कौन सा है? रेबल फूड्स। यही गलत काम, डोमिनोज इज द लार्जेस्ट क्लाउड किचन ब्रांड इन इंडिया, और आप जानते हो पैसे बर्न नहीं करता है। वो कितने पैसे कमाता है आपको आइडिया है? आपको पता ही नहीं कितने पैसे कमाता है। आप इस धंधे में घुस गए, जो शेयर है इस धंधे का उसी को नहीं समझ पाया। उसकी सेल है ओवर 2-2,500 करोड़, 700,000 करोड़ के आसपास उसका प्रॉफिट। बाकी सब प्लेयर्स कर रहे हैं लॉस, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास मार्केट पुल है ही नहीं। डोमिनोज को नाम से बिकता है बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द ब्रांड। तो आप वही चक्कर में फंस रहे हो जो ये सब ऑलरेडी फंस चुके हैं। फर्क इतना है कि आपके पास पैसे नहीं, तो आपकी तो हालत और खराब हो। अगर सच में ये काम करना है, 1-2 ब्रांड खड़ा कीजिए जिसमें स्ट्रॉन्ग कस्टमर पुल। तब तक के लिए दिस इज नॉट अ बिजनेस। इस वजह से मैं आउट हूं, ऑल द बेस्ट। अब मैं ही बचाऊं केवल, क्लाउड किचन बिजनेस होता है और ग्लोबली प्रूवन है। मेरा उस पे अनुपम से असहमत है। डोमिनोज वाला बिजनेस थोड़ा रिटेल साइड का बिजनेस ज्यादा है, ये बहुत डिफरेंट बिजनेस है, तो दोनों को कंपेयर करना मेरे व्यू में ठीक नहीं है। जहाँ मैं अटका हूँ आके, कि आपके प्रोजेक्शन पूछे मैंने आपसे, तो काफी डोल मोल आंसर मिला, कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। मेरा व्यू ये है कि आप लोग इसमें फुल टाइम लगो, जॉब की चिंता मत करो, फंडिंग हो रही है नहीं हो रही, अपने आप पानी में कूदो कि तैरना आ जाएगा। अभी वो डेप्थ इसलिए मिसिंग लग रही है मेरे को, आज मैं इस रीजन से आउट होना चाहूंगा, पर मेरे ओवरऑल पिच में बहुत मजा आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं डालूंगा पैसा, बट जब तक ऑब्जेक्टिविटी नहीं आती ना प्लान की, मेरे को मजा नहीं आता। आज के लिए बाहर हूं, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस, बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू। थैंक यू। नमस्ते शाक्स। नमस्कार। नमस्ते। दुनिया भर में बहुत सारे लोग रूम में आने के बाद वही बोरिंग, वही रूटीन नाइट लाइफ महसूस करते हैं। कुछ नया नहीं, कुछ एक्साइटमेंट नहीं, कुछ स्पाइस नहीं, कुछ फन नहीं, क्या करें, कैसे करें? इसका सॉल्यूशन है स्मेल। स्मेल एक ऐसा सेंस है जो इंसान को तुरंत खुश कर देता है। आप सब लोगों ने दिन की अगरबत्ती के बारे में सुना ही होगा, बट क्या आप नाइट की अगरबत्ती के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? अब सब लोग जान जाएंगे। मेरा नाम है अमित होचंदानी, मैं गोंदिया से बिलोंग करता हूँ, मेरी कंपनी का नाम है वीए परफ्यूम प्रोडक्ट। वीए परफ्यूम प्रोडक्ट में हम बनाते हैं एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जिसका नाम है नाइट अगरबत्ती, जो रूम को ऐसा महका दे कि बस मूड रोमांटिक हो जाए। शख्स, आपको देखते हुए हमारे पास कई सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे रोमांस, क्लासिक लव, एक्सट्रीम फन आदि। आपको देखते हुए? आप कौन से शाक को देख के बोल रहे हैं? जिसे एक्सट्रीम फन की जरूरत है। शख्स, अभी हम नाइट अगरबत्ती के अलावा डिवोशनल अगरबत्ती भी बनाते हैं, बहुत सारे रेंज बनाते हैं जिसे हम मॉल, मेडिकल स्टोर्स, कॉस्मेटिक स्टोर्स में बेचते हैं।
नॉर्मल अगरबत्ती का मार्केट आज की तारीख में 10,000 करोड़ से ज्यादा का है। इसको हम कैप्चर करना चाहते हैं, तो अगर आपकी हेल्प हो तो हम हर घर ये अगरबत्ती पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट में है दम। शख्स, मैं रेस करना चाहता हूं 1 करोड़ रुपए 10% इक्विटी के लिए। तो शख्स आए और देश का मूड बनाए। मैं इसमें दिलचस्पी रखता हूं कि कैसे आपने एक, मतलब आप काफी तजुर्बे वाले लगते हैं, जी सर। कैसे एक दिन आया कि आपने कहा भाई मैं अगरबत्ती बनाऊंगा जिससे रूम में आग लग जाए, और ये टाइप की आग नहीं, वो टाइप की आग, आप समझ गए? जी सर। क्या हुआ, कोई हादसा हुआ, कोई जरूरत महसूस हुई, क्या हुआ? ये हादसे के बारे में ना बताए तो ही बेहतर है। ऐसा नहीं है, बेसिकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। अमित जी, आप इनकी बात ना सुने, आप खुल के बोले। सर, एक्चुअली क्या है, 15 साल से मैं राइस इंडस्ट्री चलाता था। अच्छा जी। और पूरा जो है मेरा प्लांट जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था। अच्छा। तो मेरा मोस्टली माल जाता था वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया। तो जब नाइजीरिया जाता था, प्लस ये वाला फ्लेवर जो है, ये नाइट अगरबत्ती जो है वो ऑलरेडी बनाते थे वहाँ पे, और उनकी बहुत अच्छी सेल है वहाँ पे। अच्छा। नाइजीरिया में? हाँ, नाइजीरिया में। तो उन्होंने, उनका क्या है, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद उनका जो है इंडिया में कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो उन्होंने मुझे अपने इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब बताए। फिर मैंने कुछ इंडोनेशिया से परफ्यूम बुलाए, तो उस मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, और इस टाइप का कॉन्सेप्ट था भी नहीं, इसीलिए मैंने उसको अडॉप्ट किया और आगे बढ़ाया। तो वो राइस का भी धंधा चल रहा है साथ में? नहीं सर, वो एक्चुअली एक्सपोर्ट कुछ बैन होने के चक्कर में 2018 में मैंने वो वाइंड अप कर दिया। और ये कैसे चल रहा है? ये सर अभी मुझे 7 महीने अप्रोक्स हुए हैं, और अभी बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी इस बिजनेस में कितना पैसा लगाया है? इस बिजनेस में अभी मैंने अप्रोक्स 65-70 लाख रुपीस लगाया हुआ है। और अभी आपकी कितनी सेल है मंथली? अभी समझ लीजिए 7 महीने में 70 लाख रुपए की सेल है। वाओ, महीने की 10 लाख की सेल है जी। तो अब इसमें संतुष्टि है, राइट? ये बिजनेस बहुत ज्यादा, एक्चुअली क्या है सर, ये मार्जिन वाला काम है। राइस इंडस्ट्री में 2% मार्जिन था। इसमें कितना है? इसमें सर अभी ग्रॉस मार्जिन जो है मेरा वो ऑलमोस्ट 56% है। वाह। और नेट मार्जिन जो है मेरा 35-36% है। 3.5-4 लाख रुपए बचता है। तो डिवोशनल में या नाइट में? सर डिवोशनल में समझ लीजिए कि 40% मार्जिन है, और नाइट अगरबत्ती में मेरा 75% मार्जिन है। तो आप मैन्युफैक्चर करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आपने इसके लिए कोई फैक्ट्री लगाई है? हाँ, फैक्ट्री लगाई हुई है, और मैं सोर्स भी करवाता हूँ। ये इसकी हवा सीधा मेरे नाक में चढ़ रही है। आपको कुछ महसूस हो रहा है? कुछ महसूस नहीं हो रहा। ये आपने कोई टेस्टिंग करी है? कैसे आपको पता लगा कि इसको करने से पावर आ जाती है? सर है। कैसे? इनको एक्साइटमेंट हो रहा है थोड़ा। टेस्टेड है सर। कैसे? कैसे? कैसे सर, मतलब आप कैसे, वो कोई कैसे कैसे बता सकते सर, वो तो रूम में लगने के बाद मूड बनता है ना सर। देखो, एक सेकंड, इतनी देर आपने वहाँ 4 अगरबत्ती लगा रखी। हाँ जी। वो बैठ के सूंघ रहे अकेले। अभी पूछ लो इनको। अच्छा वो कस्टमर टेस्टिमोनियल का वीडियो नहीं मांगा। सर एटलीस्ट क्या होता है कि एक रूम में तो आना चाहिए। किसे? आप स्टेडियम में लगा देंगे तो वो थोड़ी असर करेगा। ऐसा थोड़ी हो जाएगा सर। प्रोडक्ट देख सकते हैं? प्रोडक्ट? हाँ सर बिल्कुल, मैं दिखा रहा सर। ये पैकिंग से अभी न्यू लॉन्च करने की, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है सर। स्ट्रॉन्ग रहेगी तभी तो सही रहेगा। बात सही है। लाइट जली नहीं अगरबत्ती की उसमें? हाँ, ये पैकिंग जो है ये हमारे लिए ऐसी, पब्लिक के लिए भी ऐसी होती है। मेरी तो ऐसी भाई, तुम ज्यादा पसंद आ रहा है ऐसे लग रहा है। ये बंद कर सकते हैं क्या? बंद कर दे। हाँ सर। अच्छा मुझे आपके बिजनेस के बारे में एक क्वेश्चन है जी। तो आप मेडिटेशन के लिए भी बेच रहे हैं? हाँ। प्रेयर्स के लिए भी बेच रहे हैं? मूड के लिए भी बेच रहे हैं? तो मतलब आप सब चीजों के लिए बेच रहे हैं?
मैडम देखिए, डिवोशनल अगरबत्ती जो है ना, वो आज की तारीख में मेरा ऑलमोस्ट अच्छा सेल है। कितना है? 70% वही सेल है। अच्छा। और 30% मेरा जो है ये है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो सेल है अपना नाइट अगरबत्ती का, वो 90% सेल तक के लेके जाऊं, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत अच्छी है। जैसे आपने बनाया ये, तो आपको कोई फॉर्मूला है स्पेशल जो आपको बताया? हां सर, वो तो इंग्रेडिएंट्स वैसे रहते हैं सर, नॉर्मली के बाद उसके जो से नॉर्मल अगरबत्ती बनाते हैं उसके बाद इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं, तभी तो वो मतलब वैसा बनेगा। मिक्स करते हैं जैसे इंग्रेडिएंट्स, बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो रहते ही हैं, उसके बाद जो है इसके जो परफ्यूम रहते हैं, प्लस इसमें जो दो तीन आइटम ऐसे मिक्स करते हैं जो कि रिवील नहीं कर सकता, उससे क्या होता है उन आइटम से? उनसे मतलब एक मूड बनता है ना सर, इफेक्ट बनता है ना, उससे इफेक्ट होता है। मैंने अपना डिसीजन बना दिया है, तो मैं आपके प्रोडक्ट से ना कनेक्ट कर पा रही हूँ, मैं ना आपके प्रोडक्ट से रिलेट कर पा रही हूँ, और इनसेंस स्टिक्स में मेरी एक्सपर्टीज भी नहीं है। सो विश यू द वेरी बेस्ट, बट आई एम आउट। इसके अंदर स्केल लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑफ द फ्रेगमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट इतना ज्यादा लगता है कि आप बहुत लंबे शहरों तक पहुंचा देते हैं, कि आपको बहुत सारी फैक्ट्री खुलने, बट बहुत लोकल काम है सर। ब्रांड जाए सर, जेट ब्लैक है, साइकिल अगरबत्ती, 800-800 करोड़ का टर्नओवर है सर। जी जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ से वहाँ तक का सफर बनाना और एक ब्रांड बनाना, वो इतना आसान नहीं रहेगा सफर। खैर, मैं इस रीजन से आउट होना चाहूँगा, मुझे स्केलेबिलिटी समझ में नहीं आ रही, और प्रोडक्ट का अगर कोई इंटेलेक्चुअल राइट या प्रॉपर्टी होती तो मैं डेफिनेटली इसको कंसिडर करता। आज मैं आउट होना चाहूँगा। देखो, मेरा इस एरिया में एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं इससे बाहर होना चाहूँगा। ऑब्वियसली अगरबत्ती का जो बिजनेस है बड़ा ही होगा, आपने बताया 10,000 करोड़ की मार्केट है। 10,000 करोड़ की, हाँ, तो ये तो मेरे लिए लर्निंग है, और मुझे नहीं लगता मैं इसमें आपकी हेल्प कर पाऊंगा, इसलिए मैं बाहर। तो मुझे तो भाई ये बिजनेस समझ नहीं आ रहा, फ्रैंकली बताऊं। मुझे अगरबत्ती का बिजनेस सॉलिड है, बट ये नाइट अगरबत्ती का बिजनेस थोड़ा, तो साथ में डिवोशनल प्लस नाइट अगरबत्ती दोनों ही बढ़े, और एक ही ब्रांड में तो दोनों वैसे भी नहीं बढ़ सकते। हाँ, आप एक ही जगह बोल रहे हो डिवोशन अगरबत्ती है, और उसी को बोल रहे हो आप नाइट अगरबत्ती का अलग, तो मैं आउट। देखिए अमित जी, जी धंधे के मामले में तो आप तेज हो, ठीक है, लेकिन ये इन्वेस्टर से पैसा लेना और उसको बढ़ाना और रिटर्न करना, ये एक अलग चीज़ होती है। लेकिन देखिए, आप में एक दीवानापन है, और कई बार ये कहते हैं कि देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन इंसैनिटी एंड ग्रेटनेस। अभी आप आगे चल के ग्रेट बनाएंगे बिजनेस को, ये आप ही जानते हो। आपको बहुत बहुत लक विश करता हूँ, बट मैं भी आउट होना चाहूँगा। सारे शार्क्स आउट हैं, गुड लक। गुड लक, थैंक यू। आज शार्क एक्सपीरियंस में पीयूष अजमेर से विमल राठी का सवाल है, आपके हिसाब से जॉब छोड़कर स्टार्टअप शुरू करने का सही समय क्या है? विमल, काफी अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरे काफी इम्प्लॉयज लेंसकार्ट के भी मेरे से यही सवाल पूछते हैं। वहाँ पे कभी कभी मैं कॉन्फ्लिक्टेड होता हूँ पर जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था, मुझे ये लगने लग गया था कि मैं जो कर रहा हूँ वो इंक्रीमेंटल है, वो लोगों की जिंदगी थोड़ी और बेहतर बना रहा है, पर मेरे को कहीं ना कहीं एक जुनून था कि मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। वो जब स्टेज आ जाए आपकी कि आपको लगे कि हार हो या जीत, 2 साल बाद जब मैं वापस देखूं अपने आप को, मुझे ये रिग्रेट नहीं चाहिए कि मैंने ये ट्राई नहीं किया, तब आपको ये डिसीजन ले लेना चाहिए।